नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। भोपाल, कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा नकली खाद्य बीज बनाने वालों पर अंकुश लगाने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है, जो नकली खाद्य बीज बनाने वालों पर छापामार कार्यवाही करेगी ताकि कृषि उत्पादन में बढ़ावा मिले। उन्होंने बताया दो टीमें बनाई गई हैं, एक संभाग की टीम रहेगी जो जिले में कार्यवाही करेगी और एक प्रदेश की टीम रहेगी जो सूचना मिलने पर कहीं प्रदेश में कहीं भी तत्काल कार्यवाही करेगी। मंत्री कमल पटेल ने बताया कि बीजों में नकली टैग लगाकर बाजारों में बेचा जा रहा है। किसान इतना समझते नहीं हैं, उन्हें लगता है कि यह सर्टिफाइड बीज है, सर्टिफाइड के नाम पर खरीद लिया जाता है। बाजारों में एक बीज की अनुमति पर 10-10 हज़ार बीज बेचे जा रहे हैं और इसलिए हम नकली बीज बनाने वालों पर छापामार कार्यवाही कर रहे हैं और पकड़े भी जा रहे हैं और उन लोगों पर कार्यवाही भी की जा रही है। संभाग की टीम रहेगी, वो जिले में जाएगी और एक प्रदेश की टीम बनाएंगे जो कहीं भी जाएगी। तत्काल, जैसे आपने सूचना दी कि यहाँ नकली बीज बन रहा है, नकली टैग लगा देते लोग। 1000 क्विंटल बीज की अनुमति मिली, 1000 का बीज का टैग मिला, उसी नंबर के दूसरे टैग प्रेस में छप जाते हैं आजकल सब और लगा देते। किसान इतना समझता नहीं, उसको तो दिखता है कि सर्टिफाइड बीज है। सर्टिफाइड के नाम पर एक हज़ार की जगह 10-10 हज़ार बीज निकाल देते हैं और लूटते हैं। और इसलिए हमने ये निर्णय लिया है और इस पर छापामार कार्रवाई भी चल रही है और उसके कारण पकड़े भी जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। और इससे मध्य प्रदेश में जब असली बीज दवाई और खाद मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारा कृषि उत्पादन बढ़ेगा और प्रधानमंत्री का सपना साकार होगा। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। लेटेस्ट न्यूज़, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।